तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा मैंने कहा था कि मेरे यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी घूमने वाली जगह है। घर से घूमने आया था तो मैंने सोचा कि लोगों को अपने जगह अपने घर की जगह दिखा दूँ अपने घर की। और आप लोग जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ की जगह, तो आप लोग देख लीजिए कि हमारे यहाँ का पर्यावरण कैसा, हमारे यहाँ का नेचर कैसा है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी अच्छी घूमने वाली जगहें हैं और कितना प्यारा लग रहा है ये सब कुछ। आप लोग यहाँ के सीन का मज़ा ले सकते हैं और यहाँ पर हमारे सेहत को बहुत अच्छा लगता है आके। हम भी कभी कभी घर से निकल आते हैं ऐसे सुबह घूमने के लिए। यहाँ पे तेज़ हवा, अच्छी हवाएँ, ठंडी ठंडी हवाएँ चलती रहती हैं और हम भी आके मौसम का लुत्फ़ उठाते रहते हैं। और आप भी हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, हमारे पे घूम सकते हैं, हमारे पे घूमने वाली जगहें हैं। और आप लोगों से यही आशा है कि आप लोग यहाँ पे आइए, घूमिए, टहलिए, आके यहाँ पे अच्छी अच्छी मंदिर हैं, यहाँ पे घूमिए। हमारे यहाँ पे एक सोनपथरी नाम का इलाका है जो कि पहाड़ी इलाका है, आप वहाँ पे घूम सकते हैं। और हम जल्द ही आपको यहाँ के विभूतिनाथ जो मंदिर है वहाँ पे आपको ले जाएंगे और आपको वहाँ का पूरा इतिहास बताएंगे। और आप के भोले बाबा जो कि बहुत सीधे हैं, जो जो मांगता है उसको वो देते हैं। और आप लोग जैसा कि आप लोग तो जानते हैं कि भोले बाबा कितने सीधे हैं, कुछ भी हमको दे देते हैं सीधे। तो आप भी अपने आप की जगह हमको दिखाइए और हम भी देखना चाहेंगे कि आप लोगों की जगह कैसे हैं। बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, और इसके लिए मुझको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप लोगों को अगर साथ रहा, प्यार रहा, तो मैं भी आगे बढ़ जाऊँगा, वरना भैया देखो। और दोस्तों आप लोग हमारे यहाँ खूबसूरत मौसम का मज़ा ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ का मौसम कितना अच्छा रहता है। और आप लोग देख सकते हैं उस पार में पहाड़ है, यहाँ से कम 9 किलोमीटर पहाड़ है और जिसको सोनपथरी कहते हैं लोग। और जल्द ही मैं आप लोगों को वहाँ भी लेकर चलूँगा। बस और इस वक्त मेरी जो कि पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई कुछ समय की छुट्टी मिल जाए उसके बाद में मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा सोनपथरी घुमाने। और उसके बाद में आप लोगों को मैं विभूतिनाथ भी लेकर चलूँगा। आप लोग जैसे कि आप लोग वहाँ पे जाएंगे तो आप लोगों को मैं भोले बाबा का दर्शन कराऊँगा। तो ये हमारे यहाँ का सबसे अच्छा पॉइंट है जिसको फोटो शूट पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे हमारे एरिया में यहाँ के अलावा और कहीं पे भी सही से फ़ोटो नहीं आता है, ठीक से फ़ोटो नहीं आता है। जो कि ये पुल एक आदर्श स्कूल है, उसी के बगल में ये पुल पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पे फ़ोटो बहुत अच्छे आते हैं। यहाँ का भी लुक काफ़ी अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए आप लोग यहाँ का लुक भी बहुत अच्छा है। यहाँ भी सेम वैसे ही उसी पुल की तरह आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों मैं घूमने जा रहा हूँ तो आप लोगों को भी मैं दिखा सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे कितना अच्छा लगता है घूम के। और आप भी सुबह घूमा कीजिए, क्योंकि घूमने से सेहत अच्छी बनी रहती है। अब डिप्रेशन से लोग बाहर रहते हैं, अगर कोई मतलब डिप्रेशन में रहे और सुबह वो घूमने लगे तो थोड़ा उसका सिर हल्का रहेगा, दिमाग हल्का रहेगा। और आप लोग भी दोस्तों मेरा यही है कि अपना स्वास्थ्य सही रखें और घूमें टहलें सुबह, इससे आप लोगों की सेहत अच्छी रहेगी। तो इसी के साथ मैं जाता हूँ। और जय हिंद दोस्तों, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो। और जय हिंद जय हिंद जय हिंद।